अल्लाह की सिफत रहमान और रहीम से मुतसादिम तो नहीं, क्योंकि कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। देखे इंसान को अल्लाह ने बगैर मर्जी के पैदा किया, इंसान अपनी मर्जी से नहीं पैदा। जब ये देखा ना तो उनका ये तो आइए कभी सोचेंगे तो सही क्या मेरी अल्लाह तो मर गई इस आश्रम के लिए पैदा कर दिया। उसने उनको एक एडवांटेज दिया, एडवांटेज उन्हें लिख के ये वाहिद रिकॉर्ड है जो बंदे और खुदा के दरमियान रिटन रिकॉर्ड वक्ता हुआ आला नफ्सी रहमा कि मैंने लिख दिया है किताब में कि मैं इन पर रहम कर। आपने बिल्कुल सही सवाल जवाब पूछा है कि फिर रहम में किसी कीमत पर जान नहीं दिया। वह कहता हुआ अला नफ्से कि मैं हर हाल में इन पर रहम कर। फिर वहां कहा जाएगी बात ये क्वेश्चन है रहम रजू से रजत से। अब देखिए क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुएं में कौन रखता है बैठे से, फरमाया जिसने दिल से एक मर्तबा भी ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया उस पर दोज़ख की आग हराम कर दी। सहाबी ने पूछा या रसूलल्लाह चाहे उसने गुनाह कबीरा किया हो खामोश रहे, फिर दूसरी मर्तबा चाहे उसने गुनाह कबीरा किया फिर खामोश रहे, तीसरी मर्तबा फिर पूछा मगर सबसे मुश्किल बात कि अगर दिल से उसने ला इलाहा इल्लल्लाह एक हमारी पूरी जिंदगी ये देखिए मैं आपको सकरात तक किसी ने तौबा की तो रसूलुल्लाह ने कहा कबूल की। सकरात का एक टाइम है, हमारी गलती है कि हम इसको टाइम को सर्विसेज के लिए समझते हैं, बड़े होने बच्चे करने नौकरी कर, इसके लिए। हालांकि ये नहीं है, ये सारे का अगर मेरे पास 90 साल है तो 90 के 90 साल उस सकरात तक मुझे खुदा की तस्लीम के लिए, और अगर मेरे पास 40 साल है तो 40 वर्षों पर मुझे खुदा को तस्लीम कर मेरी कैपेसिटी में। ये टाइम जो जिंदगी का है किसी और काम के लिए यही टॉप प्रायोरिटी को एस्टेब्लिश करके निकलना होगा। इसीलिए आप अपने पर्चों में भी ये लिख दो कि पहले सवाल का जवाब जरूरी है, ना दिया तो फिर ये पहला सवाल। अगर पहला सवाल आपने कोई शख्स भी होगा जो इंसानों में है जिसको हजारों मरतबा बताया गया अल्लाह है अल्लाह है अल्लाह है फिर उनको गौर नहीं किया उसने खुदा को रजू ही नहीं किया। हाउ डज एथिस्ट हैज अ राइट उस पे मुख्तलिफ पे कि उस अजाब पे उनका हक बन जाता है, मुसलमान का हक नहीं बनता। वो तो क्या करता अल्लाह ने बस तू ही तुरा मरम भी कह देता जिंदगी के लगे उसका क्या हक बन जाता। मैं उसकी मिसाल है तो जब मुझसे पूछा गया श्रीलंका में बहुत ज्यादा तबाही आई लोग मर गए तो कहीं मैं आम इंटेलेक्चुअल आ गए कि हम अल्लाह को नहीं मानते ये अल्लाह मेरे इतने बड़े भूखे क्यों मान मैं अल्लाह को नहीं मानता मैं छोड़ो उसको भी मैं भी नहीं मानता अब बताओ कैसे माने जिसकी दूसरी है अब बताओ ना मैं क्यों माने एटलीस्ट मुझे बताया ना कि क्यों जरूर माना अगर वो खुदा नहीं मानता। देखो मैं खुदा को मानता हूं मेरे पास रीजन होगी कि क्यों मर गया मगर तुम अगर खुदा को ही नहीं मानते सिरे से तो फिर आपको क्या है कि रहम करने वाला कौन है जन्नत क्या है दोज़ख क्या है यहां देख रही है बिल्कुल हद फासिल पड़ जाती है। व्हाई शुड आई लिसन टू यू तो तुम मानते ही नहीं और मैं क्या करूं मुझ पर को किसने मजबूर किया कि मैं जरूर इसको मुसलमान कर लू। एक शख्स मेरे पास 6-7 घंटे बैठा बातें करता है सुनता रहा उसको दिमाग भी उसको ऐसे ही था उसके बाद आई एम नॉट इम्प्रेस मैंने कहा आई एम नॉट हर्ट मैंने कहा तुम इसीलिए आए हो ना कि तुम आखिर में उठ के जब ये कहोगे तो मुझे बड़ा अफसोस होगा मैं तो पहले ही सोच लिया था कि आखिर में ये पूछ लेना मैं कहा आई एम नॉट हर्ट
फिक्र ना करो, तुम्हारे जैसे बहुत आते हैं यही आते चले जाते, मैं इस तरह गम करना शुरू कर दो कि मेरे साथ जिंदगी हुआ मुझे उठकर क्या किया जी हम लोग इम्प्रेस में किस तरह मेरे पास बड़े डाउन है जो मैं इम्प्रेस कर रही हूँ कि तुमने अकल का रास्ता पकड़े जाओ ढूंढो बिच यू शुड फाइंड योर आंसर.